हेलो हाय, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? चलिए तो घर बैठे करें CPCT एंड ASI की कंप्लीट तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम डेली शाम को क्लास करते हैं 5 o'clock CPCT एंड ASI के स्टूडेंट के लिए। जितने भी लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो हाय, अपना नेम, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में चेक किया होगा कि आज की जो क्लास है हमारी फाइल सिस्टम के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप लेक्चर का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑलरेडी टेलीग्राम के अगर यूज़र हैं तो सिंपल BSI अकेडमी CPCT टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जो स्टूडेंट CPCT एंड ASI की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 300 पेज का PDF नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन रहेंगे, सभी क्लासेस हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा प्रॉपर, और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको दोनों बेस पे, यानी एग्ज़ाम के आधार पे भी और जो टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसके भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। चले तो इसके अलावा ये आपकी टॉपिक लिस्ट है, ये आपको कंप्लीट मिलेगा वीडियो प्लस PDF नोट्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप सीधा डायरेक्ट जा सकते हो, चाहे वो वीडियो कोर्स हो, PDF हो, या फिर लेक्चर की PDF हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो सीधा हमारा जो वे ऑफ कॉन्टैक्ट है, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कॉल हो, वेबसाइट हो, तो वहाँ से आप एज यू विश आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो। इसके अलावा फाइल जो हमारा टॉपिक है फाइल सिस्टम, उसको हम थ्योरी बेस पे नहीं पढ़ेंगे, उसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में समझेंगे। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी चाहिए तो आप हमारे जो कोर्स हैं उसको इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी डाउट आए तो आप तुरंत कमेंट करना, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करें क्लास, बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बेसिक फाइल्स FAT फाइल सिस्टम, यानी FAT जो फाइल सिस्टम होता है बेसिक, उसमें पूछा है क्वेश्चन क्या है। अ फाइल और डायरेक्टरी नेम कैन हैव अप टू अ डैश कैरेक्टर एक्सटेंशन, यानी जो फाइल सिस्टम होता है FAT फैट, उसमें एक फाइल या डायरेक्टरी का नाम का जो एक्सटेंशन होता है उसके कितने कैरेक्टर होते हैं। 3 होता है, 4, 5 एंड 6, आंसर करिए। यानी जो हमारा फाइल एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन जो हमने पढ़े थे, वो कितने कैरेक्टर को होता है, किस में पूछा है, आपका फैट में पूछा है। तो आप काफ़ी स्टूडेंट को पता है कि फैट, चलिए तो जल्दी से पहले कमेंट करिए कि जो फैट है उसकी फुल फॉर्म क्या है। फाइल सिस्टम में फैट की फुल फॉर्म यानी FAT क्या होती है फुल फॉर्म। यस, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं, फाइल एलोकेशन टेबल। अब इस फाइल एलोकेशन टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि फाइल का जो एक्सटेंशन होता है कितने कैरेक्टर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी लोग आंसर भी कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 कैरेक्टर का होता है। देखो बेसिक आधार पे पूछा है, होता तो काफ़ी कैरेक्टर, जैसे
थ्री का भी होता है, फोर का भी होता है। तो आपको बेसिक आधार पर पूछा, जब ये फैट आप बोलो आप कि सर डॉट डी ओ सी एक्स हो, ये आपका फोर कैरेक्टर हो गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटेंशन पूछा है वो उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, कहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी कर रहा है, किससे रिलेटेड पूछा है। तो ये फैट से पूछा है, ना कि ये जो न्यू आपके फाइल सिस्टम है जैसे एन टी एफ एस है, ठीक है, या फिर आर ई एफ एस है, ठीक है, ये सारे आपके जो लेटेस्ट फाइल सिस्टम है इनके अकॉर्डिंग फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो उसके डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, जैसे थ्री का भी होता है, फोर का भी होता है, लेकिन ये फैट के अकॉर्डिंग थ्री कैरेक्टर ही आएंगे। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो डॉट टी एक्स टी होता है, डॉट आर टी एफ होता है, तो ये बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा और भी एक्सटेंशन, देखो आप कहीं पर भी याद रखना कि जो फाइल एक्सटेंशन होता है मोस्टली केस में उनके कैरेक्टर थ्री फोर होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन थ्री और फोर में सारे समट जाएंगे, काफ़ी कैरेक्टर फाइव का भी चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर यानी आप 100% का कैरेक्टर लेके चलो तो 95 आपके थ्री और फोर में ही सारे कैरेक्टर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो थ्री होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी कभी फोर भी होगा, जैसे डॉट डी ओ सी एक्स होगा, लेकिन ये फाइल जो एक्सटेंशन है ये आपके फैट में जब आपकी विंडो आई थी उस समय ये फैट चलता था, तो ये फैट में जो एक्सटेंशन होते थे उस समय थ्री के ही होते थे, अभी ये सारे आ गए हैं लेटेस्ट फाइल सिस्टम, उसमें फोर जो फाइल एक्सटेंशन है वो भी वेरी करता है, ठीक है। चलो कहीं पे डाउट, कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो आप तुरंत कमेंट करना, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। अब आपको ध्यान से पढ़ना है कि लिस्ट वन में क्या है और लिस्ट टू में क्या है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रखा है। चले तो आप कोई भी टर्म देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें लिस्ट तीन में, लिस्ट वन में तीन ही पॉइंट है, कौन कौन सा है, आपका फोल्डर है एन टी एफ एस है और शिफ्ट डिलीट है। देखो मैजिक का क्वेश्चन ये तो इजी है, लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में मैचिंग का हो या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में हो, स्टेटमेंट के फॉर्म में हो, पहले तो कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें जो आपको चीज़ आ रही है उसको पकड़िए। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में फोल्डर के बारे में पढ़ा था, फोल्डर के बारे में तो आपको पता है, बिल्कुल पता है, अब आपको मैच करना है कि लिस्ट टू में फोल्डर के बारे में कहाँ मिलेगा। चलिए पहला ऑप्शन चेक करें, तो यहाँ पर डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली, क्या ये फोल्डर से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड डायरेक्टरी, यहाँ ये रिलेटेड है, यानी फोल्डर का संबंध डायरेक्टरी से होगा, क्यों, फोल्डर आपका विंडोज़ में है और यही फोल्डर अगर हम डॉस में एक्सप्लेन करें तो उस डॉस में फोल्डर को हम बोलते हैं डायरेक्टरी, यानी फोल्डर का संबंध फर्स्ट का बी होगा। फर्स्ट का बी ऑप्शन चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और सेकंड भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी अब बचा आपके पास ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, यानी थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब बाकी और भी ऑप्शन, काफ़ी और भी आप कमांड ले सकते हैं, जैसे शिफ्ट डिलीट ले सकते हैं। क्या होता है शिफ्ट डिलीट से, डिलीट से आप जानते हो डिलीट होता है। अब जाहिर सी बात है अगर डिलीट का यूज़ डिलीट की से डिलीट हो रहा है और डिलीट का यूज़ हम किसी जो हमारे बोला जाए मॉडिफाइड की हैं उनके साथ हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कीज कुछ उससे रिलेटेड होगा जो कि फर्स्ट होगा, यानी डिलीट ऑफ फाइल एंड फोल्डर परमानेंटली। अगर हमें परमानेंटली फाइल और फोल्डर डिलीट करनी है विदाउट मूविंग रिसाइकल वेन, ठीक है, तो वो होगा परमानेंटली डिलीट, यानी थर्ड का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन है डी, यानी थर्ड का फर्स्ट आपके ऑप्शन डी में ही है। और लास्ट में आपका बचा एन टी एफ एस, हम जानते हैं एन टी एफ एस, एफ एस आई समझ जाना, एफ एस का फुल फॉर्म होता है फाइल सिस्टम मोस्टली केस में, और एन टी एफ एस तो आपको जल्दी से कमेंट करना है एन टी एफ एस का फुल फॉर्म क्या होता है। एफ एस मैंने बता दिया फाइल सिस्टम है, और आपको एन टी का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो आंसर हो जाएगा डी,
यस आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डैश इज़ यूज टू स्टोर रिलेटेड डेटा, यानी किसका यूज़ रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेयर एज अ डैश इज़ यूज टू स्टोर फाइल एंड सब फोल्डर, यानी क्या है जो डेटा को स्टोर करता है या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और क्या है जो फाइल एंड सब फोल्डर को स्टोर करता है। बिल्कुल बेसिक है, प्रीवियस लेक्चर में ही हमने पढ़ा है। मोस्ट पॉपुलर हमारा टॉपिक का नाम ही था, क्या था, फाइल एंड फोल्डर। तो फाइल में क्या होता है, फाइल में डेटा स्टोर होता है और फाइल और सब फोल्डर हमारे फोल्डर में जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक पे ये आपका फाइल आ जाएगा, सेकंड पे क्या आ जाएगा, फोल्डर। इजी है, बिल्कुल इजी है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। किसी को इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन की थ्योरी है, या बहुत सारे जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। जो लोग नए हैं, जिनको ये क्लियर नहीं है, जिन्होंने वो लेक्चर चेक नहीं किए हैं, जाके आप लोग वीडियो लिस्ट में जाके वो लेक्चर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैट फाइल सिस्टम यूजर्स डैश कैरेक्टर टू सेपरेट फाइल नेम फ्रॉम द एक्सटेंशन, यानी जो फैट फाइल सिस्टम है उसमें यूज़र्स जो हमारा उपयोग करता है वो फाइल नेम को एक्सटेंशन के कौन से कैरेक्टर से सेपरेट करता है। समझ में आ गया, नहीं आया, यानी अगर कोई फाइल बनी है उसके अगर हम प्रॉपर्टी में जाके उसका नेम चेक करते हैं तो कौन सा कैरेक्टर है इन चारों में से, जैसे पीरियड हो गया, कॉमा हो गया, डॉलर हो गया, हैज हो गया, इन चारों में से कौन सा है जो नेम और फाइल एक्सटेंशन को सेपरेट करेगा। तो आंसर हो जाएगा डॉट या फिर पीरियड, ठीक है, जिसको फुल स्टॉप बोला जाता है, ठीक है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप लोग याद रखना कौन से कैरेक्टर हैं जो फाइल एंड फोल्डर के नेम में यूज़ नहीं होते, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने चेक नहीं किया वो लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं पढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी ऐसी फाइल जिसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं किसके, कंप्यूटर के, उस फाइल को हम क्या बोलते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल्स, सिस्टम फाइल्स, फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज, बताइए क्या होगा आंसर। यानी ऐसी फाइल जिसमें कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन होते हैं, यस बताइए क्या होगा। डेटा नहीं होता, ध्यान रखिए, वो भी इंस्ट्रक्शन भी डेटा होता है, लेकिन वो डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर की जो कमांड्स होती हैं, कैसे कंप्यूटर वर्क होता है, वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, उस फाइल को हम क्या बोलते हैं। यस काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं, सिस्टम फाइल्स, यानी सिस्टम फाइल्स एक ऐसी फाइल होती हैं जिनमें कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ी सी हवा तेज़ चल रही है, कोई बात नहीं, आप लोगों को आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी, कहीं पे अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चले मैं बढ़ता हूँ आगे। यस इसके अलावा जो आपकी सिस्टम फाइल है, जल्दी से कमेंट करो कि कौन कौन सी सिस्टम फाइल है। ये मैंने कंप्लीट पढ़ा है, जो लोग पेड स्टूडेंट हैं मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी होती हैं, ऑडियो फाइल कौन सी होती हैं, इमेज फाइल कौन सी होती हैं, वे फाइल, ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। सिस्टम फाइल भी बताया है, उसमें एग्जीक्यूटिव फाइल भी बताया, तो ये सारे आपको बताना है कि कौन सी सिस्टम फाइल है। देखो सिस्टम फाइल हमारी दोनों डिफरेंट थी, एग्जीक्यूटिव थी और सिस्टम थी। देखो एग्जीक्यूटिव में आपकी डॉस की फाइल चली जाती है, डॉस डॉस होता है, और विंडोज़ में भी पढ़ाई थी मैंने, विंडोज़ की जो सिस्टम फाइल होती हैं वो भी मैंने पढ़ाई थी। यानी डॉस की सिस्टम फाइल डिफरेंट होती हैं और विंडोज़ की सिस्टम फाइल डिफरेंट होती, दोनों पे क्वेश्चन आया है, आप जाके चेक कर सकते हो अपने मॉड्यूल में, ठीक है। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, यानी इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, आपको गलत बताना है। चलिए तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो स्टेटमेंट आप पढ़ो
उसके बारे में ये कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। चलिए पहला मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, एन इनक्रप्टेड फाइल कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कोई इनक्रप्टेड फाइल है, कोई कोडिंग फाइल है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, यानी कोई इनक्रप्टेड कैसी भी फाइल है आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता उसका साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। पता है आपको क्या होता है? डिक्रीज ही होता है हमेशा। चले तो कितना भी हो लेकिन फाइल उसका जो साइज है वो डिक्रीज ज़रूर होगा, ठीक है। वो फाइल पर डिपेंड करेगा कि वो फाइल कैसी है, किस साइज़ की है, क्योंकि काफ़ी फाइल ऐसी होती हैं जिनका जो साइज़ है वो बहुत कम डिक्रीज़ होता है, ठीक है। चलिए मैं सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड जो स्टेटमेंट है, कंप्रेस्ड फाइल रिक्वायर लेस देन स्टोरेज स्पेस, यानी जो कंप्रेस फाइल होती हैं उनका जो स्टोरेज होता है वो बहुत कम, उनके यानी स्टोरेज को बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है हम किन्हीं भी फाइल फोल्डर को कंप्रेस करते हैं तो साइज़ कम करने के लिए करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, फॉल्स नहीं है, हमें फॉल्स बताना है। थर्ड है हमारा, कंप्रेस फाइल कैन बी ट्रांसफर्ड मोर क्विकली देन अनकंप्रेस फाइल, बिल्कुल सही है। कंप्रेस फाइल को हम जल्दी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज़ कंपेयर अनकंप्रेस फाइल को। जाहिर सी बात है अगर आप कंप्रेस कर लोगे तो एक विंच जिप फोल्डर बन जाएगा, उसको इजीली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तो उसका जिप हो जाता है, दूसरा उसका साइज भी रिड्यूस हो जाता है, तो ये दो एडवांटेज हैं जिससे वो क्विकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ की तरफ बढ़ें तो फोर्थ डॉट JPG फाइल कांट बी कंप्रेस्ड, यानी जो JPG फाइल होती है, आप लोग जानते हो JPG कैसी फाइल होती है, सबको पता है इमेज फाइल होती है, तो इमेज फाइल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ये बोला जा रहा है। क्या ये सही है? नहीं, ये बात तो गलत है। कोई भी फाइल हो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कहीं पे किसी को डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस अगर आपको डाउट आ रहा है तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बस आपको ध्यान से पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, या फिर जो हमारे वे ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट होइए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यस, इसके अलावा मैं कुछ कंप्रेस फाइल के एग्जांपल बताऊंगा जो कंप्रेस फाइल एक्सटेंशन है, जैसे .7z होता है, .gz होता है, .rar होता है, .zip होता है, .rarj होता है, या फिर .arc, या फिर bin होता है, .win भी, .winzip भी होता है, .rar winzip बनाते हैं जो, ठीक है। चले तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेना कि कौन कौन सी फाइल्स हैं जो कंप्रेस फाइल एक्सटेंशन है, ये पॉइंट का नोट आप पॉइंट है, उनको अपनी नोटबुक में पॉइंट कर लेना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन, जैसे अगर मैं आपको फाइल एक्सटेंशन का इम्पोर्टेंट बताऊं तो आपको इमेज फाइल एक्सटेंशन सारे पता होने चाहिए, ऑडियो वीडियो पता होने चाहिए, और कंप्रेस वाले अगर आप इतना कर लोगे, और भी बहुत सारे हैं, कब समथिंग आपके 10-12 हैं तो वो सारे कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इमेज ऑडियो वीडियो कंप्रेस कर लोगे तो जब भी आपका जो फाइल एक्सटेंशन आएगा उस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप 100% कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेट कर जाओगे, 50% आपका क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा अगर आप इतना कर लोगे तो, ठीक है, और अदरवाइज आप पूरे कर लोगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस विथ फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज NT, यानी कौन सा फाइल सिस्टम था जिसने अब विंडो NT के फर्स्ट वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। यस, फाइल सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, तो कौन सा फाइल सिस्टम है जो विंडो NT के साथ आया था, फर्स्ट वर्जन विंडो का NT जो फर्स्ट वर्जन है 1993 में आया था, ये सबको पता है। अब कौन सा फाइल सिस्टम आया था, FAT12 आया था, FAT16 आया था, FAT32, या फिर NTFS आया था, यस बताइए क्या होगा। देखो
काफ़ी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, बहुत लोगों ने पढ़ा है। अगर विंडो एंटी है और यहाँ पे फाइल सिस्टम में भी एक एंटी है तो आंसर आपको यहाँ से क्लिक होना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार कराया है कि विंडो एंटी के साथ ही एंटी एफ एस आया था, क्योंकि एंटी है उसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था जब मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि एंटी एफ एस का फुल फॉर्म क्या है। एफ एस का मैंने आपको बता दिया था, फाइल सिस्टम एंटी का पूछा था, तो एंटी का जो फुल फॉर्म होगा न्यू टेक्नोलॉजी होगा। जो विंडोज़ आई थी 1993 में, विंडो एंटी उसका मतलब तो विंडो न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पे थी। वो वहाँ पे भी एक नया फाइल सिस्टम यूज़ हुआ था, वो था एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। वहाँ की ये फैट के वर्जन है, FAT 12 होता है, 16 32 या फिर EXFAT होता है, तो ये सारे वर्जन है फाइल सिस्टम के। वो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे आपके अपने जो मॉड्यूल है उसमें, आप जाके चेक करिएगा फाइल सिस्टम में, ये आपको सारे फाइल सिस्टम डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है, थ्योरी प्लस MCQ के साथ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन का तो आंसर पता चल गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। स्टेटमेंट वेयर ट्रू और फॉल्स, यानी कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो उससे अच्छा है कि आप कुछ जो स्टेटमेंट है उनको पढ़िए, उसके बाद ये डिसाइड करिए ट्रू होगा या फॉल्स। चलिए मैं फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ता हूँ। अ फोल्डर कंटेनिंग बोथ फाइल एंड सब फोल्डर कैन बी जिप्ड या फिर कंप्रेस्ड, यानी एक फोल्डर है जो फाइल एंड फोल्डर दोनों को कंप्रेस, यानी एक फोल्डर है जिसमें फाइल और सब फोल्डर हैं, क्या उसको हम जिप या कंप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये बात भी सही है। कंप्रेस आप किसी फाइल को कर सकते हैं या किसी फोल्डर को कर सकते हैं जिसमें फाइल्स हैं, या फिर ऐसे फोल्डर को जिप बना सकते हैं जिसमें फाइल भी हैं और फोल्डर्स भी हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ध्यान रखना ये तीनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। आप किसी बहुत सारी फाइलों को मिलके कंप्रेस बना बहुत सारी फाइलों को मिला के कंप्रेस कर सकते हो, जिप कर सकते हो, या फिर फोल्डर को जिप कर सकते हो जिसमें फोल्डर्स हैं या फिर फाइल हैं, या फिर जो एक फोल्डर है जिसमें अकेली फाइल है उसको भी जिप बना सकते हो। ये तीनों चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए मैं आगे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट उसकी तरफ बढ़ता हूँ। यस, क्या है जिपिंग या फिर कंप्रेसिंग डॉट JPG फाइल विल नॉट रिड्यूस मच साइज एट सच एज फाइल ऑलरेडी हाईली कंप्रेस, यानी कहने का मतलब है कि JPG फाइल्स होती हैं उसका जो साइज है ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी हाईली कंप्रेस है। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अगर आप बात को इमेज फाइल में सबसे छोटी फाइल होती है JPG, ध्यान रखना इस बात का, सबसे छोटी इमेज फाइल होती है, इसको आप कंप्रेस करोगे तो इसके साइज पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। JPG फाइल से भी एक छोटी फाइल होती है .txt, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन का साइज सबसे छोटा होता है, यानी कौन सी फाइल है जिसका साइज सबसे छोटा होता है, कंप्रेस होता है, छोटा होता है, तो उसमें अगर आप JPG और .txt भी है तो .txt के साथ जाओगे, क्योंकि इस फाइल का साइज सबसे छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है आपने सोचा है कभी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो TXT फाइल, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने नोटपैड की फाइल बनाई है तो इस फाइल में ओनली टेक्स्ट होता है, ये आपको पता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसी कारण से ये जो नोटपैड की फाइल होती है उसके साइज़ कम होता है। इसी प्रकार अगर हम JPG फाइल की बात करें तो इस इमेज में, यानी हम जानते हैं JPG फाइल हमारी इमेज फाइल होती है, इस इमेज फाइल में ओनली इमेज होता है, कोई एनिमेशन, कोई भी इफेक्ट, कोई एडिटिंग,
कुछ भी नहीं होता। इसी कारण से ये जो JPG फाइल है इमेज फाइल के अंदर सबसे छोटी फाइल है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन से मैंने एक्सटेंशन पढ़ाए थे और कौन सी फाइल छोटी है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। कहीं पर किसी को डाउट, देखो ये जो क्वेश्चन है इनके अलावा मैंने काफ़ी पॉइंट डिस्कस किए, तो आप वीडियो पॉज करके बाद में इनको नोट कर लेना, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट आया तो आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट नहीं पूछोगे मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, आप पढ़ते चले जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आप जल्दी से कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए, कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले सकता हूँ आप बिल्कुल डालिए, मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपकी डिमांड पे, ठीक है। इसके अलावा अगर लेक्चर का PDF चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, जिसके लिए आप लेक्चर की PDF या इसके अलावा जितने भी लेक्चर हुए सारी PDF मिल जाएगी, जिससे आप लेक्चर का इजीली जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा वहाँ पे रिविज़न कर सकते हो, ठीक है। तो सीधा अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो BSI Academy CPCD टाइप करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से आप सीधा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट CPCT एंड ASI की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं। ये सारे कोर्स के फीचर्स हैं वो आपको कंप्लीट मिलेंगे। अगर आप डेमो चाहते हैं, अगर आपने ये लेक्चर लिया है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको डेमो की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है आप सर हमें डेमो दीजिए, तो डेमो के लिए आप जो हमारे वे ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से लिंक सीधा फॉलो करिए, वहाँ से आपको डेमो मिल जाएगा, या फिर जो हमारा वे ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से आप व्हाट्सएप करिए मुझे, तो मैं आपको वहाँ से सारी डिटेल सेंड कर दूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कहीं पर डाउट आए तो आप कमेंट करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और क्लास को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितने क्लास शेयर करोगे जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जितने ज़्यादा लोग आपके लाइव में डाउट में कॉम्पिटिशन करने यानी कमेंट करने आएंगे, डिस्कस करने आएंगे, तो आपको एडवांटेज होगा। और जितने भी लोग आपके ऑन डिमांड वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।